हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथ स्किल्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आईटीएम 2020 का और क्वेश्चन रेजनेसी से है और क्वेश्चन है सीक्वेंस और सीरीज दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पढ़े। लेट ई एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सपोज दैट एल हमें गिवन है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन बाय ए एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अगर देखिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन ढंग से देखेंगे तो क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड्स का है और इजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो कंसेप्ट यूज में देखिए मैं बता दूं आपको। देखिए क्वेश्चन में दो कंसेप्ट साथ में किए गए, सीक्वेंस और सीरीज के। ठीक है, तो देखिए जो मेन जो है कंसेप्ट आइडिया क्वेश्चन का वो है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन है। देखिए ए एन जो है वो सीक्वेंस ऑफ क्या गिवन है, पॉजिटिव रियल्स की गिवन है। तो मैं जानता हूँ जो सीरीज बनाऊंगा इसकी मैं, वो क्या बनेगी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की बनेगी। ठीक है, और देखिए मैं बात करूँ पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में, तो अगर आप देखें ए एन प्लस वन बाय ए एन का रेशियो किस में आता है, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट में आता है। अगर एल की बात करूं, एल क्या है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन बाय ए एन। तो देखिए आप इस एल से कैसे बताएंगे सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। ठीक है, देखिए एल लेस देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, एल ग्रेटर देन वन सीरीज डाइवर्जेंट, इफ एल इज इक्वल टू वन देन टेस्ट होता है फेल। पर देखिए अगर सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो हम ये पता है कि अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ ए सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ ए एन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो क्वेश्चन है वो इन तीन रिजल्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितना, देखिए अब इजी होने वाला क्वेश्चन देखिए, दैट आपको ये पता है कि देखिए अगर एल की वैल्यू जो है, ठीक, अगर एल की वैल्यू जो है वो एक से छोटी आ गई, सीरीज होगी कन्वर्जेंट और लिमिट ऑफ ए एन कितना आ गया देखिए, जीरो। तो ऑप्शन डी को आपने देखिए इजिली से टिक कर दिया। ठीक है, ये तो ऑप्शन हो गया राइट। अब देखिए आप ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट के लिए देखिए क्या दे रखा है आपको, एल कितना दे रखा है, वन दे रखा है। ठीक है, अगर मैं देखिए सीक्वेंस ए एन को मानू कितना, वन अपॉन एन की सीक्वेंस मानू, तो मुझे पता है कि जो रेशियो है ए एन प्लस वन बाय ए एन, ये लिमिट कितनी देगा, एल की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के केस में। पर ए एन की लिमिट तो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, तो इससे देखिए ऑप्शन वन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सेकंड में बात करें, इफ एल इक्वल्स टू वन द लिमिट ऑफ ए एन कितना है, जीरो। इसको आप क्या रॉन्ग पर कर पाएंगे देखिए इजिली, अगर आप सीक्वेंस ए एन आपने क्या ले ली, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले ली, तो देखिए ए एन प्लस वन भी कितना आया, वन आया, तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का रेशियो कितना आएगा, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का रेशियो कितना आएगा, वन, बट ए एन की लिमिट तो कितनी आने वाली है, वन। तो ऑप्शन सेकंड में क्या होगा देखिए आपका, रॉन्ग होगा। ठीक है, सिमिलरली आप ऑप्शन थर्ड का काउंटर ढूंढ सकते हैं। तो आप देखिए ये मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस ऑप्शन थर्ड का काउंटर ढूंढिए और मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए दो तीन कंसेप्ट का यूज हुआ। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ट्रिकी था क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको देखिए कंसेप्ट पता है डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट वाला, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, काउंटर ढूंढ के आप इजिली कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग जाता उसमें। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है इजिली, तो देखिए क्वेश्चन का जगह बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।